क्या आप भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं? भारत डाइवर्सिटी और कई सारे रहस्यों का देश है। हालांकि भारत के सभी रहस्यों के उत्तर प्राप्त करना वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन यदि आप भारत घूमने का प्लान बनाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप भारत के कुछ सबसे रहस्यमय स्थानों को मिस करना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो में हम भारत में घूमने के लिए टॉप 5 रहस्यमय स्थानों को कवर करेंगे। द लेक ऑफ स्केलेटन्स एट चमोली, उत्तराखंड। रूपकुंड लेक एक ग्लेशियर लेक है जो हिमालय में 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन इसके रिमोट और डेंजरस लोकेशन का इस झील से जुड़ी उदासी और निराशा से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये वही है जो इसके नीचे है जो ज़्यादातर लोगों को डराता है। भारत में इस रहस्यमय जगह पर बर्फ़ के पिघलने पर हर साल जमी हुई रूपकुंड झील की सतह के नीचे लगभग 300 से 600 कंकाल देखे जा सकते हैं। रेडियो कार्बन टेस्ट्स और फॉरेंसिक्स ने यह पाया है कि ये लाशें 15वीं शताब्दी की हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये लाशें कन्नौज के तत्कालीन राजा और रानी से जुड़ी हैं जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन तेज हेलस्टॉर्म के कारण झील में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। द एबंडेंट विलेज ऑफ कुलधरा, राजस्थान। ये गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था, लेकिन अब ये गांव खाली मकानों, टूटी फूटी संरचनाओं, एक पुराने मंदिर के साथ एक बंजर जमीन से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जैसलमेर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। लगभग 2 शताब्दी पहले 1500 से अधिक पालीवाल ब्राह्मण रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए थे। तब से कोई भी यहां नहीं टिक पाया है। यहां रहने की कोशिश करने वालों ने दावा किया है कि उनका पीछा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ने किया है। कुलधरा आने वाले टूरिस्ट को गांव के अंदर कदम रखते ही बेचैनी का अनुभव होने लगता है। जाहिर है कुलधरा के असली निवासियों ने गांव पर एक श्राप छोड़ दिया है कि उनके बाद कोई भी कभी भी यहां नहीं बस पाएगा। जतिंगा, असम। पिछले 100 वर्षों में जतिंगा में भूमि की एक विशेष जगह पर हजारों और हजारों पक्षी अपनी मृत्यु के लिए उड़ान भर चुके हैं। पक्षियों के लिए ये जगह बरमूडा ट्रायंगल क्यों बन गई है यह अभी भी अस्पष्ट है। हालांकि हर साल सितंबर या अक्टूबर में मॉनसून्स के बाद कृष्ण पक्ष की रातों में शाम 6 से 9:30 बजे तक इस क्षेत्र के सभी पक्षी उत्तेजित और विचलित हो जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी हैं जो इस सवाल की ओर ले जा रहे हैं कि ये पक्षी हर साल यहाँ केवल मरने के लिए क्यों आते हैं। शायद एक दिन हमारे पास इसका जवाब होगा, लेकिन अभी के लिए जतिंगा, जिसे द प्लेस ऑफ सुसाइडल बर्ड्स के रूप में भी जाना जाता है, भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। शनिवार वाड़ा फोर्ट। यह सुनने में कितना भी भयानक क्यों ना लगे, लेकिन फैक्ट यही है कि अतीत के विश्वासघात और नृशंस हत्याओं के परिणाम स्वरूप भारत में कुछ सबसे रहस्यमय स्थान है। जब एक 16 वर्षीय लड़के नारायण राव ने शनिवार वाड़ा किले में गद्दी हासिल की तो उसे गद्दी से उतारने की साजिशें शुरू हो गई। यह उसके चाचा और चाची थी जिन्होंने शिकारियों की एक जनजाति गर्दिश के मुखिया से नारायण राव को मारने की मदद मांगी थी। युवा पेशवा नारायण राव मारा गया, उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया और पास की नदी में फेंक दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यह किला अब उन खोई हुई आत्माओं से आबाद है जिनको इस किले में मार दिया गया था। आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों का भी दावा है कि आप पूर्णिमा की रात को युवा पेशवा की दिल दहला देने वाली चीखें सुन सकते हैं। दरअसल ये किला भी भारत की उन रहस्यमय जगहों में से एक है जहां शाम 6:30 बजे के बाद एंट्री फॉरबिडन है। द मैग्नेटिक हिल ऑफ लेह, लद्दाख। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मैग्नेटिक हिल भारत में घूमने के लिए सबसे असामान्य जगहों में से एक है। दरअसल यहाँ पहाड़ी पर चढ़ने वाली कार्स अपने आप खींच ली जाती हैं, यानी कि कोई भी अपने व्हीकल के इग्निशन को बंद करके यहाँ ड्राइव कर सकता है। यह रोमांचक घटना वास्तव में केवल एक ऑप्टिकल इल्यूशन है जो पहाड़ी के ग्रेविटेशनल पुल से उत्पन्न होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, वो साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।